तो आप आज से ही मन में ये संकल्प ले लीजिए कि भाई भाषा के प्रति हमारे मन में इतनी संवेदना तो होनी चाहिए कि अपने जीवन के हर काम को करते समय हम हमारी मातृभाषा का उपयोग करें, राष्ट्रभाषा का, राष्ट्रभाषा का, मातृभाषा का, ये आपके जीवन में आना चाहिए। तो कहां से शुरू होगा? सबसे पहले अपने घर से शुरू करिए। आपके घर में देखिए, आपने अपने भाई बहनों के नाम, बेटे बेटियों के नाम कुछ अंग्रेजी वाले तो नहीं रखे हुए हैं? टिंकू, डब्लू, बबलू, पिंटू, बबली, डबली, ट्विंकल, डिंपल, अर्थ मालूम है इनके? बता दो, जबरदस्ती नाम रख के बैठे हुए। बता दो, ये जो टिंकू है ना, टिंकू, एक बार मैं डिक्शनरी लेके बैठा कि इन शब्दों के अर्थ ढूंढे जाएं, तो 17वीं शताब्दी की वेबस्टर डिक्शनरी में इनके अर्थ मिले। टिंकू का अर्थ होता है आवारा लड़का। आवारा तो समझते हैं, बाप की ना सुने, माँ की ना सुने, घर में कभी ना रहे, घर का कोई काम ना करे, कुछ भी बोलो तो हमेशा उसको टालता रहे, उल्टा करे, उसको अंग्रेजी में टिंकू कहते हैं। और हम मूर्ख भारतवासियों ने अपने होनहार उच्च आदर्शों वाले बच्चों का नाम टिंकू रखा हुआ। मुझे बहुत गुस्सा आता है, किसी घर में मैं चला जाऊं, पिताजी का नाम है रामदयाल, माताजी का नाम है गायत्री देवी, बेटा टिंकू आ गया उनका। अब रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आया, ये जरा खोज का विषय है और शोध का विषय है। ना उसका बदलवा देंगे। तो आप जो है ना, जिसका किसी का नाम ऐसा हो तो उसका बदलवा दे, उसका रामदयाल का रामदास। जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि आपके परिवार के भाई बहनों के, बेटे बेटियों के नाम अगर इस तरह के हैं, तुरंत इनको बदल दीजिए। अपने पास हिंदी नामों की कोई कमी नहीं है, संस्कृत नामों की कोई कमी नहीं, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु नामों की कमी नहीं है। तो यहां से शुरू करिए अपने जीवन में।